दिस इज एन एच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश आज हम वर्ड uh, से शुरू करेंगे लेकिन इससे पहले हम पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लें हमने सबसे पहले ग्रामर पढ़ा था ग्रामर किसको कहते हैं फिर इंग्लिश ग्रामर टाइप्स ऑफ ग्रामर ऑर्थोग्राफी लेटर्स टाइप्स ऑफ लेटर्स वॉ वोनेट एंड सेमी वॉल्स इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था आज हम जो है वो वर्ड को पढ़ेंगे वर्ड किसे कहते हैं वर्ड जैसे हमने लेटर्स में पढ़ा था कि ए बी सी ये सारे जो हैं लेटर्स हैं अब हम कोई भी लेटर्स ले लें जैसे ए ले लिया हमने एन लिया और टी लिया इन तीनों लेटर्स को मैंने मिलाकर ए एन टी बनाया एंड और एंड का जो है कुछ मीनिंग है जैसे एंड का मीनिंग चींटी तो एंड का मीनिंग जैसे है चींटी तो वैसे लेटर्स का समूह जो कुछ मीनिंग बनाते हो उसे हम वर्ड कहते हैं तो वर्ड के डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स च मेक्समीनिंग क्लियर अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लें जैसे बी ओ वॉय बी ओ वाई इनसे मिलकर हमारा बना वॉय इसका भी कुछ अर्थ है तो ये भी हमारा वर्ड हो गया लेकिन हम एल टी के ऐसे हमने तीन अक्षरों को लिया और इससे भी मिलाकर हमने चाहा कि एक शब्द बना ले वर्ड बनाए लेकिन अगर इसका कुछ मीनिंग नहीं तो ये शब्द नहीं होगा यहाँ पे एक और आ, मैं यूनिक चीज बता दू आपको जैसे हमने यहाँ पे स्टडी किया वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेटर का समूह है यानी एक से ज्यादा लेटर लेकिन तीन ऐसे लेटर हैं जो यूनिट होते हुए भी यानी सिर्फ एक होते हुए भी वो शब्द का निर्माण करते हैं जिसमें दो जो है वो मेन है और एक जो है वो कभी कभी इस्तेमाल होता है एक आई है हमारा जो है एक लेटर होते हुए भी ये शब्द बनाता है यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स यहाँ पे है लेकिन एक लेटर सिर्फ अगर आई भी हो तो वो भी वर्ड बनाएगा आई के अलावा ए भी वर्ड बनाता है जैसे ए का हम इस्तेमाल करते हैं ही इज स्टूडेंट तो यहाँ पे ए जो है वोड की तरह इस्तेमाल होता है और ओ वैसे ओ जो होता है वो ओ होता है लेकिन हम इसका इस्तेमाल ओ की तरह भी कर, करते हैं जैसे ओ गॉड तो यहाँ पे ये तीन अक्षर ऐसे हैं जो एक होते हुए भी अकेला होते हुए भी ये वोड बनाते हैं अब हम आते हैं फ्रेज फ्रेज किसको कहते हैं फ्रेज जैसे लेटर से हमने वर्ड बनाया वैसे ही वर्ड से हम फ्रेज बनाते हैं लेकिन फ्रेज जो होता है यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन इसका सेंस भी होता है लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट सेंस नहीं होता है उसको हम फ्रेज कहते हैं तो इसके डेफिनेशन में हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इसल्ड फ्रिज क्लियर अब इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें जैसे अगर मैं कहूं इन द इवनिंग तो ये हमारा जो है ये फ्रिज हुआ एट नाइट ये भी हमारा फ्रिज हुआ आफ्टर ऑल ये भी फ्रेज हुआ ऑल इन ऑल ये सारे फ्रेज हुए तो फ्रेज किसी भी सेंटेंस में आते हैं अगर सेंटेंस के अलावा अगर फ्रेज को हम देखें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं इनका कुछ सेंस भी होता है लेकिन पूरी तरह से वो कंप्लीट सेंस नहीं निकालते जैसे इन द इवनिंग शाम में क्या शाम में एट नाइट रात में तो यहाँ पूरी तरह से क्लियर नहीं है तो इसे हम फ्रेज कहते हैं लेटर के बाद वर्ड वर्ड के बाद फ्रेज फ्रेज के बाद हम सेंटेंस देखते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहां पे उसे हम फ्रेज कहते हैं जिसमें सेंस होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है और वर्ड जो होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है और लेटर किसको कहते हैं जिसको हम डिवाइडेड नहीं कर सकें जिस आ, हर लेटर जो है एक ध्वनि एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है क्लियर अब आते हैं सेंटेंस सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन दोनों में फर्क ये होता है कि फ्रेज जो है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता लेकिन सेंटेंस जो है कंप्लीट मीनिंग देता है तो सेंटेंस के लिए हम लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कॉट इट ये हमारा सेंटेंस हुआ अब सेंटेंस के एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे ही हैज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं यहां भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन यहां पे जो सेंस है पूरा कंप्लीट नहीं है यहां पे कंप्लीट सेंस है ही हैज का उसके पास कार है यू आ, ओ स्टूडेंट तुम एक विद्यार्थी हो पूरी तरह से यहाँ पे जो सेंस है वो क्लियर है एक्सेट्रा अब हम थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि सेंटेंस को हम डिटेल्स आगे के वीडियो में पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के बाद पढ़ेंगे एक्सरसाइज हम कुछ यहाँ पे कर लें। सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन पूछू कि ए बी सी जेड तक इनको हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं तो इन्हें हम अल्फा बेट कहते हैं अगर काउ बॉय कैट इनको हम क्या कहेंगे वोट्स। ही रीड्स और बुक ये क्या है सेंटेंस है अब यहाँ पे हम आ, साउंड थोड़ा चेक करते हैं कौन वोवेल साउंड है कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है जैसे एच ओ एन ई एस टी यहां पर जो शुरुआती साउंड है वो कौन सा साउंड है एच है तो क्या ये कॉन्सोनेंट है नहीं ये ओ का साउंड देता है ऑनेस्ट अ नहीं ओ सेम एज अगर हम एच ई -E ए टी लिखे तो ये यह यहाँ पे हॉ का साउंड देगा जो कॉन्सोनेंटल साउंड है हीट काउ यह कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है ओ एन ई वन यहां पर वे जो है कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है यूनिक यहां पर यू ये भी कॉन्सोनेंट का साउंड दे बॉक्स कॉन्सोनेंट साउंड सिमेज यूनिवर्सिटी यहां भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो आज की वीडियो में इतना ही